हेलो फूडीज फ्रेंड्स, मैं सबा फिर शेख सबाज किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, लॉकडाउन का समय है और ऐसे में घर पर बड़े और बच्चों की फरमाइशें जो कि रुकने का नाम ही नहीं लेती, तो ऐसे में अगर फैमिली मेंबर्स का हलवा खाने का मन करे, वो भी बिना सूजी के, दाल के या फिर आटे के इस्तेमाल करें, तो हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। बस फिर क्या था, मैंने झटपट फूल गोभी रखी हुई थी, उसका हलवा बना लिया। आप सब यही सोच रहे होंगे कि भला फूल गोभी का भी हलवा बनता है क्या? तो भाई, जब हम दूधी का हलवा, गाजर का हलवा और यहाँ तक एक कद्दू का हलवा बना सकते हैं, सो वाई नॉट फूल गोभी। तो आज के इस वीडियो में और इस मुश्किल घड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फूलगोभी का हलवा। तो चलिए फूलगोभी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। फूलगोभी का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम फूलगोभी। मैंने वजन में 600 ग्राम फूलगोभी ली थी और इस फूलगोभी में से मैंने डंठल और पत्ते निकाल दिए। और ये मैंने ली है 250 ग्राम चीनी। और ये मैंने ड्राईफ्रूट्स में थोड़े से बादाम, मगज़ और किशमिश लिया है। आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। अगर आपके पास रेडीमेड इलायची पाउडर ना हो तो 8-10 इलायची के दानों को पीस लें, तब आपका इलायची पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। और ये मैंने लिया है केसर वाला दूध। 2 बड़े चम्मच दूध में 1 चुटकी केसर डालकर थोड़े समय के लिए भीगने रख दें। और साथ ही हमें चाहिए होगा 1/4 कप देसी घी, क्योंकि हम बना रहे हैं मीठा। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप घी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। फूल गोभी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले किसी बर्तन में पानी गर्म करें और फूल गोभी को अच्छे से वॉश करने के बाद ही छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में डाल दें। इसे हम ढककर बॉईल करेंगे 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर, जिससे कि ये बॉईल होने के बाद थोड़ी सी नरम पड़ जाएंगी। तो लीजिए 5 मिनट हो गए हैं, अब गैस को बंद कर देंगे और फूल गोभी को हम पानी में से निकाल लेंगे, या फिर डायरेक्ट आप पानी को छन्नी की सहायता से छान लें। इसे हम गर्म पानी में से निकालने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, ताकि फूल गोभी पूरी तरह से ठंडी हो जाए। जब फूल गोभी पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, तब मिक्सर जार में हम इसे ग्राइंड करेंगे। यहाँ आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि मिक्सर में इसे पीसते समय मिक्सर का बटन ऑन ऑफ करते हुए पीसें, और इसे ग्राइंड करने के लिए हमें पानी का भी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें इसका पेस्ट या फिर प्यूरी नहीं बनानी है, बल्कि हमें इसे पीसना है दानेदार और दरदरा, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर पीसते समय थोड़ी बहुत छोटी मोटी फूल गोभी ना भी पीसी हो, तो आप उसे नाइफ से कट कर सकते हैं, या फिर हलवा बनाते समय तो ये पक ही जाएगा। तो ये हमारी हो गई तैयारी। तो चलिए अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक छोटा तड़का पैन रखा है और ये मैंने पैन में 2 छोटे चम्मच घी डाल दिया। घी को पहले हम गरम कर लेंगे। जब घी गरम हो जाएगा, तब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। जब कभी मैं हलवा बनाती हूँ तो इसमें काजू और सूखा नारियल डालना कभी नहीं मिस करती, लेकिन क्या करें, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए हम काजू और सूखा नारियल डालने से मजबूर है। लेकिन फिर भी मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं उसी में से आपके लिए रेसिपी तैयार कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं और इसका यूज़ करेंगे हम बाद में। अब हमें हलवा बनाने के लिए चाहिए कढ़ाई। तो हलवा बनाने के लिए मैं ये नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें हमारा हलवा चिपकेगा नहीं। कढ़ाई में पहले घी डालकर ये मैंने घी को गर्म कर लिया तेज़ आंच पर। जैसे घी गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें पिसा हुआ फूल गोभी डाल देंगे। अब इस हलवे को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है। तो मेहनत यह है कि पहले हमें इसे 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर लगातार चम्मच से चलाते हुए भूनना है, क्योंकि हम इसे पकाएंगे तेज़ आंच पर, इसीलिए इसे लगातार चलाते हुए पकाना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर आपने हाथ रोक दिया तो फूल गोभी कढ़ाई के तले पर बर्न हो सकती है। पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पर भूनने के बाद आँच को धीमा कर दें और 5 मिनट इसे फिर हम भूनेंगे धीमी आँच पर। फूल गोभी को धीमी आँच पर पकाते समय आप अपने हाथों को थोड़ा सा आराम दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही 5 मिनट फिर से कंप्लीट हो जाए तो फ्लेम को आप हाई कर दें और एक बार फिर लगातार चम्मच से चलाते हुए इसे भून लें। फूल गोभी 15 मिनट भूनने के बाद कढ़ाई को हम ढक कर इसे धीमी आंच पर पकाएंगे, वो भी पूरे 5 मिनट के लिए। इतनी देर पकने के बाद फूल गोभी में जो क्रंच है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और फूल गोभी की जो रॉ स्मेल है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो इसीलिए पहले 15 मिनट इसे अच्छे से भूनेंगे और फिर 5 मिनट इसे ढक कर धीमी आँच पर पकाएंगे। तो लीजिए 5 मिनट हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं, फूल गोभी बहुत ही अच्छे से पक गई है और साथ ही बहुत नरम भी पड़ गई है। अब हमें क्या करना है, इसे चम्मच से चलाते हुए थोड़ा सा मैश करना है इस तरह से, ताकि अगर हलवे में फूल गोभी की गांठें रह गई हो जो कि ना पिस पाई हो, तो ऐसा करने से वो मैश हो जाएंगी। तो लीजिए फूल गोभी को बहुत ही अच्छे से भून लिया और फिर मैश भी कर लिया। तो अब बारी आती है इसमें मिठास भरने की। जी हाँ, बेशक इसमें हम ऐड कर लेंगे चीनी। चीनी का जो अंदाज़ा है वो भी बड़ा ही सिंपल है। पत्ते और डंठल निकालने के बाद जितने वजन में आपने गोभी ली होगी, तो फूल गोभी के आधे वजन की आपको चीनी भी ऐड करनी है। मान लीजिए अगर 250 ग्राम गोभी है तो चीनी होनी चाहिए 125 ग्राम, लेकिन अगर आप मीठा कम खाते हो तो चीनी थोड़ी सी कम ऐड करें।
ये देखिए, एक मिनट का समय भी नहीं लगा और चीनी पूरी तरह से मेल्ट भी हो गई। चीनी मेल्ट होने के बाद आप देख सकते हैं फूलगोभी किस तरह से ज्यूसी हो गया है। साथ ही आप एक बात का ध्यान रखें कि फ्लेम को हमने लो पर ही रखा हो। चीनी मेल्ट होते ही इसमें इलायची पाउडर डालकर इलायची पाउडर को अच्छे से मिला लेंगे। इलायची पाउडर डालने से हलवे में बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम इसमें मिला लेंगे केसर वाला दूध यानी कि ज़ाफ़रान, जो कि हमने भिगो कर रखा था। ज़ाफ़रान डालने से हलवे का जो कलर है थोड़ा सा चेंज होगा। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप हल्का सा खाने वाला ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए केसर डालते किस तरह से हलवे का कलर थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। फाइनली अब हम इसमें ऐड कर लेंगे किशमिश और ड्राई फ्रूट्स। किशमिश को मैंने फ्राई नहीं किया था, आप चाहें तो किशमिश को शुरुआत में ही फ्राई कर सकते हैं या ना भी करें तो कोई बात नहीं। ड्राई फ्रूट्स को भी हलवे में अच्छे से मिला लें और इसे हम कुछ देर के लिए धीमी आंच पर चलाते हुए पकाएंगे और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हलवे का कलर हल्का सुनहरा होने लगेगा और साथ ही हलवे में से घी भी सेपरेट होने लगेगा। तो हलवा हमारा लगभग तैयार है, लेकिन हम इसे लास्ट के एक दो मिनट के लिए तेज आंच पर पकाएंगे। बहुत ज्यादा समय के लिए भी इसे नहीं पकाना है, वरना इसे ज्यादा पकाने पर हलवा ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएगा। अगर आप हलवा थोड़ा सा क्रिस्पी चाहते हो तो थोड़ी देर के लिए और पका लें, लेकिन मैं इस स्टेज पर गैस को बंद कर रही हूँ। तो यह हमारा फूलगोभी का हलवा बनकर तैयार है। अगर आपके पास मावा हो तो आप इसमें मावा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी मावे के भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस हलवे का टेक्सचर आप देख सकते हैं, यकीन माने ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। इस लॉकडाउन के समय में आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आप इसे घर आए मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं और तो और आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिसकी वजह से आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।